ये लो 500 रुपये, पार्सल 300 का है, मुझे 200 रुपये रिटर्न कर दो। एक सेकंड, ये तुम्हारे फोन में ये फोटो किसका लगा हुआ है? मेरे पति की फोटो है। पर मैडम आप इतना शॉक क्यों हो रहे हो? पति का? अच्छा ये करता क्या है? ये फौज में है, आर्मी में, 2 साल से घर नहीं आया, मैं इनसे मिली भी नहीं हूँ। अच्छा तो ये तुम्हारा पति है, ठीक है तुम एक काम करो, तुम ना मेरे साथ अंदर चलो। लेकिन क्यों मैडम? तुम चलो मेरे साथ अंदर। अरे यार ये हनी कहाँ रह गई? ये पार्सल लेने गई थी या पार्सल बनाने? देख के आता हूँ कहाँ रह गई। साक्षी तुम यहाँ पे? अच्छा तो ये है तुम्हारा पति जो पूरे 2 साल से घर नहीं आया है। तुम यहाँ? तुम तो बॉर्डर पे थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बॉर्डर पर नहीं बल्कि पिछले 2 साल से ना ये मेरे घर में रह रहा है, लिव इन में। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्दी ना हम दोनों शादी करने वाले थे, और तुम बोल रही हो कि ये तुम्हारा पति है। तुषार ये लड़की क्या बोल रही है? ये सब झूठ है ना, सपना है ना, ये सब सपना है ना? ओ हेलो मैडम, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ये सब क्या है तुषार, तुम्हें पता है ये लड़की ना मुझे पार्सल देने आई थी, और इसके पास मुझे क्या मिला? ये तुम्हारा फोटो। और जब मैंने इसे पूछा ना कि ये कौन है, तो इसने बताया कि ये मेरा पति है। ये सब क्या है? और इसने ये भी बताया कि पिछले 2 साल से तुम बॉर्डर पर हो, लेकिन तुम तो मेरे घर में थे ना। ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे कुछ बताओगे? तुषार ये क्या बोल रही है? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे इतने बड़े अंधेरे में रखा, यहाँ तक कि तुम मेरे बर्थडे पे भी नहीं आए। तुमने मुझे कहा था तुम बॉर्डर पे हो, पर तुम तो इसी शहर में थे इस लड़की के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसने मुझे भी धोखा दिया और तुम्हें भी। अब चुपचाप खड़े रहोगे, कुछ बोलोगे भी? ठीक है मैं सब बताता हूँ। अब तुम दोनों के सामने सारी सच्चाई आई गई है तो मैं बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और मैं और झूठ नहीं बोल सकता। आई कांट बिलीव इट, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि ना मुझे पैसे चाहिए थे, और दूसरों की तरह मुझे भी ऐश करनी थी, लेकिन इसके साथ रह के ना मैं बिल्कुल भी ऐश नहीं कर पा रहा था, एंजॉय कर ही नहीं पा रहा था अपनी लाइफ। अरे यार तुझे एक बात बताऊं, मैं ना अपनी बीवी की चिक चिक से ना परेशान हो चुका हूं, तंग आ चुका हूं इस जिंदगी से। अब तू ही बता, मेरी सिर्फ 20,000 की नौकरी है, अब इतनी कम सैलरी में भी उसकी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है, परेशान हो चुका हूँ यार मैं तो। पर भाई वो तेरी बीवी है, उसकी भी तो जॉब लग गई, वो भी तो कमाने लग गई। हाँ यार तू सही तो कह रहा है, कमा तो रही है वो, लेकिन फिर भी ना मुझे ही उसकी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है, और पैसा सबको चाहिए यार, मुझे भी चाहिए पैसा, मुझे भी ऐश करनी है। अब इतनी कम सैलरी में मैं कैसे इंजॉय कर पाऊँगा, और उसकी भी डिमांड्स पूरी करो। और तुझे एक बात बताऊँ, एक ना लड़की है हनी नाम की, और वो ना मेरे प्यार में लट्टू हो चुकी है। अरे सोशल मीडिया पे मिली थी मुझे, मैं सोच रहा हूँ उसको पटा लूँ, क्योंकि उसके पास भी ना पैसों की कमी नहीं है, और उसके पैसों से ना मैं ऐश काटूंगा। पर भाई तू शादीशुदा है, भाभी को पता चल गया तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं उसको कुछ पता नहीं चलेगा, और अपनी बीवी को बोल दूंगा कि जो मैंने एग्जाम दिया था ना फौज का, वो क्लियर हो चुका है, मैं फौज में भर्ती हो चुका हूँ, और 2 साल के लिए जम्मू शिफ्ट हो रहा हूँ, और इसी बहाने उस टाइम मैं हनी के साथ लिव इन में रह लूंगा और ऐश भी करूंगा, मजा ही आ जाएगा। और वैसे भी हनी के पैसों पे मैं इतनी ऐश करूंगा तो कुछ पैसे मैं उसको भी भेज दिया करूंगा, इससे उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मजा ही आ जाएगा यार। पर भाई ऐसा करना सही तो रहेगा ना? अरे कुछ नहीं होगा यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है, जब मुझे टेंशन नहीं है तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। ठीक है भाई, तेरी जिंदगी तेरी लाइफ, जो मर्जी वो कर। और मैं तो कह रहा हूँ तू भी ना कोई ऐसे ही मोटी पार्टी फंसा ले, तू भी ऐश की जिंदगी काट, कोई पैसे वाली लड़की ढूंढ ले तू भी। बस इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। ये तुमने अच्छा नहीं किया तुषार, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, और तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम बस मेरे पैसे से प्यार करते थे, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे नेचर से पसंद किया था, लेकिन तुमने मुझे पैसे से पसंद किया। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। मैं तुम्हारे खर्चे उठाऊं तुमने इसलिए मुझसे प्यार किया ना? वो तो अच्छा हुआ कि शादी होने से पहले ना मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, तुम मेरे साथ साथ अपनी बीबी को भी धोखा दे रहे थे। तुम जैसा घटिया आदमी ना मैंने लाइफ में नहीं देखा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। मैं यहाँ इंतजार करती रही कब तुम वापस आओगे और हम दोनों खुशी से जिएंगे, पर तुम तो यहाँ अपना दूसरा घर बसा रहे थे इस लड़की के साथ। भगवान ना सब देख रहा है, जो मेरे साथ हुआ ना वो तुम्हारे साथ भी होगा, तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे।
जितना मैं रोई हूँ ना उतना तुम भी रोओगे। ये लो पकड़ो अपनी अंगूठी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब तुम एक काम करो, अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधो और अभी क्या भी ना मेरे घर से निकल जाओ, समझे? क्योंकि जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या ही होगा, मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जल्दी निकलो मेरे घर से। पर हनी मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ ना। अरे बस करो, ये अपने प्यार का नाटक ना कहीं और जाके दिखाना। अब जाके बनाओ किसी और को बकरा, क्योंकि तुमने तो बना लिया मेरा पागल, अब और नहीं, समझे? निकलो मेरे घर से। आज जैसे मेरे लिए तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा है, कल को तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास भी आसानी से चले जाओगे। मुझे ना ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं है, निकलो मेरे घर से। अब खड़े होकर मेरी शक्ल मत देखो, चुपचाप निकल जाओ वरना मैं धक्के मार के निकालूंगी।